हेलो दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 का 17वां मैच भारत और बांग्लादेश के बीच MCA ग्राउंड पर होने वाला है। अब हम बात करेंगे क्या रहने वाला है दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में, दोनों टीमों की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है और इस पिच पर बैटिंग का बोलबाला रहने वाला है और गेंदबाजों के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाली है। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्लेइंग 11 भारत की क्या रहने वाली है। तो दोस्तों भारत की प्लेइंग 11 में ओपनिंग का जिम्मा शुभमन गिल और रोहित शर्मा के हाथों में रहने वाला है। रोहित शर्मा काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, यह किसी भी टीम के लिए आउट करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी और मिडिल ऑर्डर की कमान विराट कोहली के हाथ में होगी, जिसमें विराट कोहली का रिकॉर्ड इस मैदान पर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर पिछले मैच में विराट कोहली ने यहाँ पर शतक लगाया था, एक अच्छी पारी खेली थी। इसके बाद में केएल राहुल है, अय्यर है और हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर की कमान संभालने वाले। हार्दिक पांड्या का भी इस मैदान पर काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। इसके बाद में रविंद्र जडेजा है, स्पिन डिपार्टमेंट की कमान संभालेंगे, जबकि फास्टर बॉलिंग की डिपार्टमेंट जसप्रीत बुमराह के हाथ में है और मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव और श्रद्धल ठाकुर के हाथों में रहने वाली है। दोस्तों यह भारत की प्लेइंग 11 रहने वाली है, यह काफ़ी ज़बरदस्त प्लेइंग 11 रहने वाली है। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। दोस्तों बांग्लादेश की कमान साकिब उल हसन के हाथों में रहने वाली है, जबकि ओपनिंग में लिटन दास, एम रहीम और मिडिल ऑर्डर की कमान महमदुल्ला के हाथ में रहने वाली है। हुसैन संतो, टी हेरिडोय, टी हसन और हसन मिर्जा के हाथ में रहने वाली है, जबकि बॉलिंग की कमान मुस्तफिजुर रहीम, टी अहमद और एस इस्लाम के हाथ में रहने वाली है। यह बांग्लादेश की प्लेइंग 11 रहने वाली है दोस्त। जबकि भारत को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है बंगाली टाइगर, बांग्लादेश के टाइगर। यह मैच बहुत रोमांचक होने वाला है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।